हे व्हाट्सअप गाइस, तो कुछ इस टाइप का रील्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साइड में बेल का भी आइकॉन आता है तो बेल के आइकॉन को क्लिक करना, ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अपने मोबाइल में मोबाइल डेटा ओपन करना, और कोई सा भी VPN एप्लीकेशन में VPN कनेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना। सो गाइज, यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर प्लस का आइकन भी रहता है, तो इसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाले वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करोगे ये मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना। इसके बाद यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है, नीचे में ऐड का ऑप्शन लिखा होता है, इसे जो है क्लिक कर लेना। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में जो म्यूजिक है उस म्यूजिक को जो है अलग करना पड़ेगा, तो इसके लिए इस वीडियो को ऐसे क्लिक करना। इस वीडियो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आता है, उसे जो है क्लिक कर देना। तो यहाँ पर नीचे में एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है, इसे जो है क्लिक कर देंगे, जिससे कि इसका म्यूजिक जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका म्यूजिक जो है और वीडियो अलग हो चुका है। सो गाइज, यहाँ पर कुछ इस टाइप से वीडियो को जो है क्लिक करना, वीडियो को ट्रिम करेंगे, यानी कि वीडियो को छोटा करेंगे। तो जहाँ तक ये वाला वाटर स्प्रे वाला वीडियो ख़त्म होता है वहाँ तक का ट्रिम करना है, तो कुछ इस टाइप से कर लेना। इसके बाद यहाँ पर नीचे में जो है, नीचे में स्प्लिट नाम का एक ऑप्शन आता है, स्प्लिट, तो इसे जो है क्लिक कर देना, तो ये जो है ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे वाले को जो है डिलीट कर देंगे, ये वाला, इसको जो है डिलीट करना है, तो डिलीट वाला ऑप्शन होता है नीचे में, उसे क्लिक कर देना। और यहाँ पर लास्ट वाला एंडिंग वाला ये बन जाता है, इसको भी डिलीट कर देंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर अपना फोटो ऐड करना है, तो अपना फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा प्लस का आइकन होता है, उसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियो के सेक्शन आता है, तो फोटो के सेक्शन में जाना, और यहाँ पर जो उन सब फोल्डर में जाना चाहते हैं उन सब फोल्डर में चले जाना। तो यहाँ पर मैं ये वाले फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर नीचे में ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे जो है क्लिक कर लूँगा। तो कुछ इस टाइप से फ़ोटो ऐड हो गया। इसको जो है फुल स्क्रीन करने के लिए फ़ोटो को ऐसे क्लिक करना, और यहाँ पर जूम कर देना कुछ इस टाइप से, यानी कि बड़ा कर देना फ़ोटो को, जिससे कि यह फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें जो है एनिमेशन ऐड करना है, 3D एनिमेशन ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से नीचे में देखना, स्टाइल वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना, तो यहाँ पर 3D जूम प्रो वाला ऑप्शन मिलेगा, तो VPN ऑन करना और मोबाइल डेटा ऑन कर लेना, तभी ये वर्क करेगा। तो कुछ इस टाइप से 3D जूम प्रो वाले ऑप्शन को जो है क्लिक कर देंगे, और इसको जो है 3D में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से इस फोटो को। तो यहाँ पर जो है कुछ देर वेट कर लेंगे, और कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पर ये वाला फ़ोटो जो है 3D इफेक्ट में क्रिएट हो चुका है। नीचे में राइट का आइकन है, उसे जो है क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर इसे जो है जहाँ तक म्यूजिक ख़त्म होता है वहाँ तक कुछ इस टाइप से बड़ा कर देंगे। सो गाइज, अब यहाँ पर पीछे चले जाना है, तो जहाँ से अपना फ़ोटो स्टार्ट होता है वहाँ चले जाना है। तो यहाँ से फ़ोटो स्टार्ट होता है, तो यहाँ कुछ इस टाइप से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आएगा ओवरले का, ये वाला ओवरले का ऑप्शन होता है, इसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद प्लस का आइकॉन आता है, एड ओवरले लिखा होता है, उसे जो है क्लिक कर देना, और ये वाले वीडियो को जो है सिलेक्ट कर लेना। इस वीडियो को डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा, तो इस वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है ये जानना है तो वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देख लेना। तो कुछ इस टाइप से ये वाले वीडियो को जो है ऐड कर लेना। अब यहाँ पर नीचे में देखना, स्प्लिस नाम का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये वाला स्प्लिस लिखा होता है यहाँ पर, तो इसे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर जो है स्लाइड नाम का ऑप्शन होगा, तो ये वाला होता है स्लाइड, इसे जो है क्लिक कर देना, जिससे कि व्हाइट पार्ट जो है हट जाएगा। अब यहाँ पर राइट का आइकॉन है, राइट का आइकॉन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो है इसे जो है फुल स्क्रीन करना होगा, यानी कि ये ओवरले वाले वीडियो को फुल स्क्रीन करना होगा, तो ऐसे जूम कर लेना। तो यहाँ पर जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना, जैसे मैं किया वैसे। तो कुछ इस टाइप से करने के बाद एक बार प्ले करके देख लेना, तो मैं यहाँ पर प्ले करके देख लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर ओवरले वाला वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, तो इसे जो है छोटा कर सकते हो कुछ इस टाइप से। इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से प्ले करके देख लेंगे, कुछ गड़बड़ होगा, म्यूजिक वगैरह नहीं बज रहा होगा। तो अब यहाँ पर इसे जो है सेव करना चाहते हो तो ऊपर में यहाँ पर एरो का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो एरो के आइकन को जो है क्लिक कर देना, जिससे कि ये जो है सेव होना स्टार्ट हो जाएगा।
सो गाइज एडिटिंग तो सीख लिया, अब यहाँ पर वीडियो को जो है डाउनलोड कैसे करना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर जो है ओपन कर लेना, सर्च का बॉक्स होता है तो सर्च बॉक्स को क्लिक करना और यहाँ पर टाइप करना है द आरटी वर्ल्ड। तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। तो कुछ इस टाइप से टाइप करना और सर्च कर देना। तो यहाँ पर छोटा छोटा में लिखा होता है https://www.theartyworld.com, बड़ा में भी लिखा है artyworld.com, इसे जो है क्लिक कर देना है तो क्लिक कर देना। इसके बाद इसका वेबसाइट जो है ओपन हो जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग में ही यही वाला आ जाएगा, अगर ये वाला सबसे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो ऊपर में सर्च का आइकॉन है, सर्च का आइकॉन को क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर वाटर स्प्रे लिख देना, वाटर स्प्रे रील्स या तो फिर वाटर स्प्रे बस लिखना। तो कुछ इस टाइप से लिखने के बाद यहाँ पर सर्च कर देना, सर्च करने से ये वाला सबसे ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक कर देना इसको, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसी पेज में जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। सो गाइस अब यहाँ पर इस पेज में जो है नीचे जाना है, नीचे डाउनलोड बटन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपका नेट जो है स्लो होगा, जैसे कि मेरा नेट स्लो है, तो यहाँ पर ये वाला डाउनलोड बटन जो है लेट से शो हो रहा है। तो नेट स्लो होगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना ताकि जो है डाउनलोड बटन शो हो। तो यहाँ लिखा है रील्स मटेरियल डाउनलोड, तो उसे जो है क्लिक कर देना तो गूगल ड्राइव का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दोनों वीडियो मिल जाएगा, तो दोनों को बारी बारी से ऐसे क्लिक करना, ऊपर में डाउनलोड का आइकॉन है उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 99K हैं, बस 1K के लिए जो है 100K नहीं हुआ है, तो प्लीज़ 100K